वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिलने के लिए हमारे हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए बेल बटन आइकॉन पर क्लिक करके हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर क्लिक करिए। नया साल स्टार्ट हो चुका है। 18-19 के एकेडमिक ईयर के लिए बच्चों ने सभी कॉलेजेस में एडमिशन ले लिए होंगे। जिन छात्रों को अभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है उन्हें जानना जरूरी है कि किस प्रकार से आने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। मैं ये जानता हूँ सभी छात्रों के मन में अभी सवाल है कि महाडीबीटी की जो वेबसाइट है वह तो अभी क्लोज हो गई है या फिर बंद हो गई है। अगर आप महाडीबीटी की वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर चेक करते हैं तो आपको दिखाई देगी महाडीबीटी की वेबसाइट बिल्कुल बंद हो चुकी है। वहां पर आपको किसी भी तरह का कोई भी वेबसाइट ओपन होती नहीं नजर आएगी। तो जो पहली महाडीबीटी की वेबसाइट थी वह थी mahadbt.gov.in। अगर आप mahadbt.gov.in पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वह वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी या फिर उसमें कोई इरर्स दिखाई देंगे, सर्वर इरर्स या फिर जो भी कोई प्रॉब्लम होगा। बेहद देर के सर्चिंग के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का नो इंटरनेट या फिर ETC जो ऑप्शंस है वो दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन यह है कि महाडीबीटी की जो वेबसाइट है वह ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। हमारा इंटरनेट कनेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट है, ऑलरेडी यहाँ पर इंटरनेट चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है। तो इस तरह के अलग अलग से जो भी नेटवर्क कनेक्शन होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि महाडीबीटी की वेबसाइट अभी बंद हो चुकी है। तो हम आगे बढ़ेंगे। महाडीबीटी की वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरने हैं, तो यहाँ पर हमने यह पोस्ट दिखाई दी, यहाँ पे ओपन की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाडीबीटी GOI पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या है और इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह लिंक दे दी है। अगर आप इस लिंक पर आके देखेंगे तो आपको 2018-19 के लिए महाराष्ट्र के पोस्ट मैट्रिक्स जो GOI स्कॉलरशिप है उसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे करना है यह जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको महाडीबीटी की जो न्यू वेबसाइट्स है वहाँ पे कौन कौन सी न्यू स्कॉलरशिप स्कीम्स अवेलेबल है वह आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और जिस डिपार्टमेंट से आपको यह एप्लीकेशन करना है वह भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए तो आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर GOI पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो महाराष्ट्र के लिए है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है वह दिखाई देगा। अगर आपके माता पिता की सालाना आय 1,00,000 रुपए से कम होगी तो आपको GOI पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए यह 2,00,000 रुपए की इनकम की जो सालाना आय रखी गई है वह 2,00,000 रुपए हो सकती है। आवेदक महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार की महाराष्ट्र के स्कॉलरशिप के लिए आपको महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना आवश्यक होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यह सभी SC VJNT OBC SBC छात्रों को अप्लाई करना होगा। यही छात्र जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, इन्हें ही यह स्कॉलरशिप मिलेगी। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए छात्र अप्लाई करना चाहते हैं वह सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस कैप के द्वारा प्रवेशित होने चाहिए। अगर आपने कैप राउंड के माध्यम से एडमिशन नहीं लिया है तो आपको यह स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। भारत सरकार स्कॉलरशिप लाभ पाने के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज से आपको कैप राउंड से एडमिटेड होना बेहद आवश्यक है। जो भी इंस्टीट्यूट लेवल से एडमिटेड स्टूडेंट्स है उनके लिए यह स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है, वह एप्लीकेबल नहीं हो सकते। अगर अप्लाई करते भी है तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो आप नीचे और भी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह देख सकते हैं। इस स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दो ही बच्चे यानी कि दो ही बेनिफिशियरी पात्र हो सकते हैं। अगर तीसरे बेनिफिशियरी अगर यहाँ पर होंगे तो ध्यान रहे दो पहले जो कैंडिडेट्स होंगे वही अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर फर्स्ट कैंडिडेट होगा वह अप्लाई करेगा और सेकंड कैंडिडेट अगर अप्लाई नहीं करता है तो थर्ड कैंडिडेट्स के लिए यह स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है, वह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि हम आगे आपको बताने वाले हैं।
जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आपको सालाना 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। अगर आप 75% 360 दिन में 75% जो डेज को कैलकुलेट करते वह अटेंडेंस नहीं रखते तो आपको यह स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यह लाभ तभी मिलेगा जब आप एक कोर्स को पूरा करते हैं। अगर आप अधूरे कोर्स को छोड़ते हैं और वहां पर स्कॉलरशिप लेते हैं और अगले कोर्स में जाते हैं तो आपको यह स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ध्यान रहे, एक प्रोफेशनल कोर्स को पूरा करने के बाद ही आप दूसरे प्रोफेशनल ग्रेजुएट कोर्स से आप यह स्कॉलरशिप लेने के योग्य बन सकते हैं। तो इस प्रकार से इस लाभ की सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो अब आपको बताते हैं यह जीओआई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप महाडीबीटी की वेबसाइट पर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और महाडीबीटी की वेबसाइट कौन सी है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहां पर पूरी प्रोसेस दी है आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जो महाडीबीटी की वेबसाइट है वह कन्वर्ट हो चुकी है महाडीबीटी mahait.gov.in की वेबसाइट पर। तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर विजिट करना है। महाडीबीटी महाआईटी की वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना जरूरी होता है। न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एप्लीकेंट लॉगिन के माध्यम से यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, पिछली वेबसाइट के मुकाबले इस वेबसाइट में सभी स्कीम्स को अलग से दिया हुआ है। आपको सभी कैटेगरी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जीओआई के लिए आते हैं वह एसबीसी के लिए अलग कर दी गई है, ओबीसी के लिए अलग कर दी गई है और वीजीएनटी कैटेगरीज के लिए अलग कर दी गई है। मतलब आप अगर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको ओबीसी स्कीम से ही अप्लाई करना है, अगर आप एसबीसी से आते हैं तो आपको एसबीसी से और वीजीएनटी से आते हैं तो आपको उसी स्कीम से अप्लाई करना जरूरी है। हाँ, डिपार्टमेंट एससी के लिए अलग दे दिया गया है, एससी के लिए भी अलग डिपार्टमेंट से अप्लाई करना है। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको लॉगिन के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से यह लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम है न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो हमने पिछले वीडियो में जो एबीसी स्कॉलरशिप का वीडियो बनाया है वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी दे दी है। वह भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप वह भी देख लीजिएगा, उस प्रकार से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो हम समझते हैं कि आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालिए, यहाँ पर पासवर्ड डालिए और यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है वह सेम कैप्चा कोड भरकर लॉग इन हियर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर लॉग इन करना है। तो आपका महाडीबीटी का लॉग इन पूरा हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले लॉगिन होने के बाद आपको ध्यान रखना है, यह जो इस साइड में लेफ्ट साइड में प्रोफाइल सेक्शन आपको दिख रहा है होम के नीचे, वह प्रोफाइल आपको 100% कंप्लीट करना बेहद ही जरूरी है। अगर आप प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप जब भी स्कीम को अप्लाई करेंगे, जब भी आप जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे तो आपको वह एक एरर्स जनरेट करेगा जो कहेगा कि आपकी प्रोफाइल सेक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। तो आपको प्रोफाइल सेक्शन में यह पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, करंट कोर्स इन्फॉर्मेशन, पास्ट क्वालिफिकेशन और हॉस्टल डिटेल्स की जानकारी भरनी आवश्यक है। जब आप यह जानकारी भर लेंगे और सेव कर लेंगे तब जाके आप जीओआई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, आपने यह प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया होगा ऐसा हम समझ के चलते हैं। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपको ऑल स्कीम्स जो प्रोफाइल के नीचे दिख रहा है वहां पे क्लिक करना है। ऑल स्कीम्स पर क्लिक करने के बाद आपको जितने भी महाडीबीटी की महाराष्ट्र की वेबसाइट्स पर स्कॉलरशिप की स्कीम्स है वह सभी दिखाई देंगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर अप्लाई कौन सी स्कॉलरशिप के करें, क्योंकि एक ही स्कॉलरशिप के नाम से बेहद सारी स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जहां पर आप जाने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप के लिए हमें एप्लीकेशन करना है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कीम्स के लिए डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में एससी, वीजीएनटी, एसबीसी, ओबीसी यह छात्र इस योजना के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एससी कैंडिडेट्स है तो आपको एससी कैंडिडेट्स के लिए स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट को चुनना होगा। अगर आप
VGNT OBC और SBC वेलफेयर डिपार्टमेंट से आते हैं। अगर आप VGNT OBC SBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको VGNT OBC एंड SBC वेलफेयर डिपार्टमेंट को चुनना होगा। चलिए सबसे पहले हम SC के लिए भी दिखा देते हैं। स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आप चुनिए SC कैटेगरी से आते होंगे तो स्कीम नेम्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेरिट स्कॉलरशिप और ओपन मेरिट स्कॉलरशिप इन जूनियर कॉलेजेस। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिपार्टमेंट बताया सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट। तो SC के लिए सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट है और स्कीम नेम में आपको यहाँ पर चुनना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और यहाँ पर आपको सर्च करना है। SC डिपार्टमेंट्स SC कैटेगरी से जो छात्र है वह इस प्रकार से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंस डिपार्टमेंट और स्कीम नेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर जो स्कीम एप्लीकेबल है वही स्कीम आएगी, ना कि कोई ड्यूअल स्कीम, ना कि कोई डुप्लीकेट स्कीम। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप GR में सभी जो भी रूल्स दिए गए हैं वह सभी देख सकते हैं और टेक एक्शन के नीचे जो अप्लाई बटन दिया गया है वहां पर क्लिक करके आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से SC कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं GOI पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप OBC, SBC और VGNT कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट में VGNT, OBC और SBC वेलफेयर डिपार्टमेंट को चुनिए और यहाँ पर स्कीम्स नेम में वही आपको अलग अलग, अगर आप OBC से आते हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू OBC स्टूडेंट चुनिए, अगर आप SBC से आते हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू SBC स्टूडेंट चुनिए, अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू VGNT स्टूडेंट्स चुनते हैं तो आप VGNT कैटेगरी से होने आवश्यक है। तो समझिए आप OBC कैंडिडेट्स है तो हम OBC को चुनते हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद OBCs के लिए जो स्कीम्स लागू है वह यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा डिपार्टमेंट चाहे VGNT, OBC, SBC का हो लेकिन आप स्कीम नेम OBC के लिए चुन रहे हैं। तो इस प्रकार से यही डिपार्टमेंट OBC के लिए भी स्कॉलरशिप देता है, SBC के लिए भी देता है और VGNT के लिए भी देता है, लेकिन स्कीम्स नेम में आपको अलग अलग सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से सर्च पर क्लिक करने के बाद आपकी सही स्कीम आपको दिखाई देगी। टेक एक्शन के अप्लाई पर क्लिक कीजिए। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी सही स्कीम अप्लाई होती दिखाई देगी और सिर्फ यहाँ पर सिंपल से स्टेप अभी दिए गए हैं क्योंकि सभी स्टेप जो आपने भरे हैं वह प्रोफाइल सेक्शन में दे दिए गए हैं, वहां पर सभी डिटेल्स आपने ऑलरेडी भर दिए हैं। यहाँ पर आपको चुनना है इज दिस अ रिन्यूअल एप्लीकेशन। हमारे पिछले वीडियो में भी एक भाई साहब ने हमसे पूछा है कि सर रिन्यूअल एप्लीकेशन करें या ना करें। भाई इसमें सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर महाडीबीटी की जो वेबसाइट है वह इस साल के लिए अभी नई वेबसाइट चालू हुई है तो आपको रिन्यूअल चुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर पिछला ID पूछेगा। अगर आपके पास महास्कूल का एप्लीकेशन ID है तो आप रिन्यूअल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नो पर क्लिक करिए। आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। LC अगर आपके पास नहीं है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपनी लिविंग सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना आवश्यक है। अगर आपके पास डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन फॉर्म्स में जाइए। डिक्लेरेशन फॉर्म्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट चुनना है। हमने OBCs के लिए यह चुना हुआ था तो OBC ही चुनते हैं। स्कीम नेम OBC देखते हैं। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट फॉर जेंट्स चिल्ड्रेन यहाँ पर दिखाई देगा। आप सोचिए मत, जेंट्स जो भी जेंट्स लेडीज जो भी है वो सोचिए मत। आप यहाँ से सीधे डाउनलोड पर क्लिक करके आप इस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद आपका सर्टिफिकेट जो होगा इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रतिज्ञा पत्र आपको देना होता है, एक एफिडेविट आपको एप्लीकेशन के साथ में देना होता है। तो यह आपको अपने एप्लीकेशन के साथ में जोड़ना होता है, अपलोड करना होता है। तो इसे डाउनलोड कर ले, एप्लीकेशन को प्रिंट कर ले और फिर उसे आप यहाँ से
ऑल स्कैम्स से अप्लाई करने के बाद अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर हमें फिर से एक बार चुनना होगा, क्योंकि हमने पिछले स्टेप को मिस कर दिया यहाँ से, क्योंकि हमें डिक्लेरेशन डाउनलोड करना था। तो फिर से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद टेक एक्शन से आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टेक एक्शन में अप्लाई पर क्लिक कीजिए। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमने आपको बताया कि आपके पास अगर महा स्कूल आईडी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो हमने अभी आपको बताया वह अपलोड कीजिए। हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप, यहाँ पर नो कीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए सिलेक्टेड नहीं होंगे, आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो कि मैंडेटरी होता है प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेस, प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए, तो सॉरी इस कोर्सेस के लिए यहाँ पर कास्ट वैलिडिटी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो भी कोर्सेस आते हैं, डिप्लोमा वगैरह जो कोर्सेस है उनके लिए यह मैंडेटरी दे दिया गया है। लेकिन नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज जो होंगे उसके लिए कास्ट वैलिडिटी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होंगे और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए होंगे। राशन कार्ड भी आपको यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए अप्लाई करना होगा, अपलोड करना होगा। तो यह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सेव पर क्लिक करिए। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा, और आपको ऑल स्कीम्स में क्लिक करके यहाँ पर आपको एक विंडो दिखाई देगी जहां पर आपकी स्कीम्स आपको दिखाई देगी। सिंपल सा आपको लास्ट में फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरवर्ड पर क्लिक करके ही आपका जीओआई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपके कॉलेज लॉगिन तक पहुंच जाएगा, आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जीओआई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए महा डीबीटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। रही बात ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की, इसके लिए और आपको कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है आप वहां पर जाके फिर से एक बार इस पोस्ट पे थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप रिविजन कीजिए, देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, क्योंकि कोई भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले ठीक से जानकारी पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन के लिए सबमिशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी जानकारी दे दी है, यहाँ पे आपको रिक्वायर जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाई देंगे। LCTC कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक टू आधार लिंकिंग रिसिप्ट, मतलब आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना आवश्यक है। पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। बैंक पासबुक जेरोक्स आवश्यक है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। मार्कशीट जो कि SSC HSC और प्रीवियस जो भी मार्कशीट है वह चाहिए। उसके बाद गैप, अगर आपके एजुकेशन में है, एजुकेशन गैप है, तो आप एजुकेशन का गैप सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। और अगर आपके पास कॉलेज एडमिशन रिसिप्ट है तो वह भी आपके पास होगी तो अच्छी बात है, आप वह भी कॉलेज में सबमिशन कीजिए अपने महा डीबीटी के जो है पोस्ट मैट्रिक एप्लीकेशन के साथ में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी पेरेंट्स को महा डीबीटी की वेबसाइट, जो न्यू वेबसाइट है, वहां पर जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, यह पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से सोशल मीडिया में शेयर कीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की बेहद सारी स्कीम्स है और बेहद सारे एजुकेशन के हिंट्स हैं जो आप तक पहुंचाना बेहद ही जरूरी है। तो इस प्रकार से हम आपसे आज के लिए विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।